हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ दिए सजाने के लिए, दिए को डेकोरेट कैसे करते हैं दिवाली स्पेशल करने के लिए, क्योंकि हम दिवाली काफ़ी धूमधाम से काफ़ी अच्छे से मनाते हैं। बहुत सारे दिए लगाते हैं, बहुत सारे लाइट लगाते हैं और हम दिवाली को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो दिवाली मनाने के लिए हम पहले से कुछ दिए डेकोरेट कर लेते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिए लेकर के आई थी मार्केट से। मैंने इसको 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। अच्छे से ये काफ़ी धुल गया था पानी से और मैंने इसको सुखा दिया है। यहाँ पे मैं 10 रुपये का एमसील का पैकेट लेकर के आई थी। तो मैंने एमसील के पैकेट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मैं इसमें एमसील में 2 पैकेट निकलता है, तो दोनों को अच्छे से मिक्स करना होता है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फेविकॉल लगाया है और एमसील लगाया है और मैं दिए को एमसील के हेल्प से चिपका दूंगी। अगर आप भी अपने घर में दिए को डेकोरेट करते हैं, घर में ही सारी तैयारियां करते हैं, तो आप भी इसी तरीके से अपने घर में दिए को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे दिए आप कलरफुल करके आप अपने घर में दीपक को अच्छे से जला सकते हैं। तो दिए डेकोरेट करने के लिए देखिए, मैंने एमसील के हेल्प से एक दिए को इस तरीके से चिपका देना है आपको। काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है। इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए आप चिपका के छोड़ दें सूखने के लिए। और एक चीज़ आप ना भूलें, फेविकॉल का जरूर यूज़ करें। फेविकॉल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी आप फेविकॉल यूज़ इसमें करें, इससे क्या होता है काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है एमसील के साथ साथ ये दिया। तो इस तरीके से मैंने दिए को चिपका दिया है एक एक करके और अब मैं इसे सूखने के लिए 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो दिया सूख गया है और काफ़ी अच्छे से इसमें चिपक गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से चिपक गया है दिए को और हम अब इसे कलर करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से चिपक गया है दिया को। अगर आप चिपकाते हैं अपने घर में दिए को डेकोरेट करते हैं इस तरीके से, तो आप 2 से 2.5 घंटे के लिए इसको सूखने के लिए ज़रूर रख दें। और हम इसे कलर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर मैं बीच में ब्लैक कलर का पहले यूज़ करूँगी। काफी अच्छे से पेंट कर लेना है आपको ब्लैक कलर से। और अब मैं अलग अलग कलर से दिए को सारे को पेंट कर लूंगी। मैं अलग अलग कलर का यूज करूंगी। आप चाहें तो इसको गोल्डन भी कर सकते हैं, गोल्डन या सिल्वर कर सकते हैं, लेकिन मुझे कलरफुल बनाना है तो मैं यहाँ पे अलग अलग कलर का यूज कर रही हूँ। इसी तरीके से काफी अच्छे से आप पेंट कर लें पूरे दिए को। अब मैं इसके किनारे पे जो है उसको मैं व्हाइट कलर से पेंट कर दूंगी। हम दिए के अंदर एक अच्छा सा फ्लावर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है पहले। आप चाहो तो पेंसिल से निशान लगा सकते हो या चौक से भी निशान लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने पतला ब्रश का यूज किया है। पहले मैं आउटलाइनिंग बनाऊंगी।
आपको काफी आराम से अच्छे से करना है, फिनिशिंग के साथ करें। आउटलाइनिंग बन चुका है, अब मैं इसमें कलर फिल कर दूंगी। तो इसमें भी फ्लावर में भी मैं अलग अलग कलर फिल करूंगी, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, वाइट, सारे कलर में अलग अलग फिल करूंगी। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। आप इस तरीके से फ्रेंड्स बना सकते हैं अपने घर में दिए। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है, मात्र मैं दिए लेकर के आई थी, 20 रुपये का दिया आया था और 20 रुपये का अंदर का बड़ा दिया आया था, ओनली मुझे 40 रुपीस लगा है। और कलर मेरे घर पे रखा हुआ था तो मैंने कलर का यूज़ कर लिया है। अगर हम ये दिए मार्केट से ख़रीदते हैं तो कम से कम 600-700 रुपये के रेंज में आता है, लेकिन मैंने घर पे 100 रुपये के अंदर अंदर मैंने सारा बना लिया है। अब मैं अंदर फिल कर दूंगी व्हाइट कलर, थोड़ा सा मैंने पिंक कलर से मैं कंट्रास्ट का कलर दूंगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा पिंक कलर से। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैं ये आप मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने ये चिपका दिया है राउंड राउंड सा थर्माकोल। मैंने ग्रीन और रेड का यूज किया है और अब मैं इस पे एक गोल्डन कलर की मोती चिपका दूंगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा गोल्डन कलर का मोती लगाने से। अब मैं अलग अलग कलर से दिए को थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। मैंने ऑरेंज पे ब्लू ब्लू का कंट्रास्ट रखा है, आप अपने कलर के अकॉर्डिंग कंट्रास्ट दे सकते हैं दिए कलर में। व्हाइट पे मैं रेड का कंट्रास्ट दे रही हूँ, आप ब्लू का भी दे सकते हैं, ब्लू भी बहुत सुंदर लगेगा। आपको जो अच्छा लगता है आप उस कलर का कंट्रास्ट दे सकते हैं। ब्लू पे मैं व्हाइट का कंट्रास्ट दे रही हूँ। रेड पे मैं ग्रीन का कंट्रास्ट दिया है, मैंने येलो पे मैंने और पिंक का कंट्रास्ट दिया है, ग्रीन पे मैंने व्हाइट का कंट्रास्ट दिया है और अब मैं थोड़ा सा पिंक कलर से मैं डॉट डॉट दे दूंगी थर्माकोल के साइड में और मैं थोड़ा सा अंदर फ्लावर में भी पिंक कलर का फील कर दूंगी, कलर का थोड़ा कंट्रास्ट दे दूंगी कलर अच्छा लगने के लिए। आप रेड का देंगे तो रेड भी अच्छा लगेगा और पिंक से मैंने यहाँ पर डॉट डॉट दे दिया है और ये दिए बंद के मेरी हो गई है रेडी। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग के साथ ऐसी वीडियो और भी शेयर करती रहूंगी दिवाली स्पेशल। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता।